कोरोना वायरस अभी तक हमारे लिए महज एक न्यूज था। बाहरी देशों की खबरें हम देख रहे थे, लेकिन अब ये घुस आया है हमारे मुल्क में, हमारे घरों में। भारत में अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव 6 केस सामने आए हैं। गाइस, मेरी ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए है। हम अवेयर रहें, यही इस वक्त वायरस को रोकने के लिए सबसे बड़ी रोकथाम है। इस वीडियो में मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगी, बात करूंगी उस टॉपिक पर जो इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो प्रश्न हम सबके मन में डर बनाए बैठा है कि क्या आपको कोरोना वायरस है। दोस्तों, इट्स हाई टाइम कि हम इस घातक वायरस को पहचाने, क्योंकि ये दिल्ली, आगरा, लखनऊ, तेलंगाना, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों तक आ पहुंचा है। इस वीडियो के एंड में मैं बाबा रामदेव द्वारा बताए नुस्खों की बात करूंगी जो कोरोना में लड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं। बने रहे वीडियो के एंड तक और अवेयर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की, कि ऐसा क्या होगा हमारे शरीर में जिससे हमें सूचना मिलेगी कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लक्षण सामान्य से हैं। इसमें आप महसूस करेंगे सरदर्द, नाक का बहना, नाक से पानी निकलना, खांसी आना, इसमें सूखी खांसी आती है, और गले में खराश रहना। इसमें बुखार आता है जो 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। बार बार छींक आती है, और अगर आपको अस्थमा है तो आपको महसूस होगा कि आपका अस्थमा बिगड़ रहा है। शरीर में थकान महसूस होती है, शरीर टूटा टूटा लगता है, और इसमें निमोनिया भी हो सकता है। इस वायरस से यंग यानी कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इन सभी सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वायरस बेहद तेजी से एक दूसरे से फैलता है। अगर टाइम पे आप इन सिम्टम्स को पहचान लें तो आप अपने आसपास वालों को इसके संक्रमण से बचा सकते हैं, और अगर हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचे तो 96% चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में कहा था, डरना नहीं है, अवेयर रहना है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस वायरस के संक्रमण से दूर रख सकते हैं, यानी कि क्या प्रिकॉशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें अपने हाथों को बार बार अच्छे से लगभग 20 सेकंड लगा के धोना है। अगर आप जल्दी में हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हाथ धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वायरस सरफेसेस पर काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो अगर आपने किसी एलियन वस्तु को छुआ हो और आपने हाथ नहीं धोए तो अपने हाथों को आईज और माउथ के पास ना लेकर जाए, एल्स यू कुड कंटामिनेट योरसेल्फ। भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर जाने से बचे, और अगर जाना जरूरी है तो मास्क पहन कर जाए। कोरोना वायरस के लिए N95 मास्क रिकमेंडेड है। अच्छा होगा कि अगर आप अपने लिए 2-3 मास्क खरीद कर घरों में रख लें, इनकी बहुत जल्दी शॉर्टेज हो जाएगी और केमिस्ट की शॉप पर 10 गुना कीमत पर ही बिकने लग जाएंगे। अनावश्यक यात्रा ना करें। पहले सरकार द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल पर रोक लगा दी गई थी, पर इस वक्त इंडिया में कुछ सिटीज में केस सामने आए हैं तो वहां ट्रैवल करने से बचे। जिन लोगों को खांसी जुकाम है उनसे दूरी बनाकर रखें, और उन्हें भी अवेयर करें कि वो जल्द से किसी पास के अस्पताल में ब्लड टेस्ट और स्वैब यानी कि थ्रोट टेस्ट करवा लें, जिससे पता लग जाए कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं। एक चीज जो हमें अभी से फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि हाथ मिलाना और गले मिलना थोड़ा अवॉइड करें। फिजिकल कॉन्टैक्ट जितना कम होगा उतना इस वायरस का संक्रमण कम होगा। छींकते हुए हैंकी या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें, इसकी बजाय अपनी कोहनी का आप इस्तेमाल छींकते वक्त इस तरीके से कर सकते हैं। सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, इनको आप नोट कर लें। ये जरूर है कि कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, लेकिन ये वायरस उन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। चाइना जहां 3000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें 70% लोग बड़ी उम्र यानी कि 70 के पार के थे। बाबा रामदेव की कुछ टिप्पणियां हैं इम्यूनिटी को लेकर। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी ज्यादा मात्रा में लें। तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और गिलोय का काढ़ा बनाकर पिएं। आप इस बात पे ध्यान दें कि मैं ये वायरस का ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे चाइना ने एकजुट होकर इस वायरस से अपनी जंग लड़ी, उसी से सीखते हुए हम भी इस वायरस को हम पर भारी नहीं होने देंगे। अवेयरनेस की इस मुहिम में मेरा साथ दें। मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।